सिंगाजोरी जिला शाजापुर में सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण कथा का आज विश्राम हुआ। कार्यक्रम में पूर्णाहुति के साथ ही महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। ग्रामीण जनों ने प्रतिदिन कथा का श्रवण कर अपने आप को धन्य माना। शाजापुर जिले के ग्राम सिंगार चोरी में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण की कथा में उज्जैन से पधारी स्वयं प्रभा अनुराधा जी नागर ने कथा प्रसंगों में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के जन्म की कथा के साथ ही यदुकुल को शाप, भौमासुर कथा, श्यमंतक मणि एवं नरकों का वर्णन किया। उन्होंने परीक्षित मोक्ष का व्याख्यान भी सुनाया। कहा कि भागवत सुनकर हमें श्रुति भी ही नहीं कृति भी बनना चाहिए। मात्र कथा सुनने से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होता, कथा सुनकर उसका अनुसरण भी करना होगा, तभी परीक्षित जैसा मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। कथा के दौरान ये भी कहा कि यदि मानव धर्म परहित ही है, अच्छे कर्म करने से नरकों की यातनाओं से बचा जा सकता है। आज श्रीमद भागवत कथा का विश्राम हुआ, वहीं पूर्णाहुति के साथ ही महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। फल भर में वो दंड दे देता है। वो आज करुणा निधि बहुत रो रहा है। ब्राह्मण के चरण देखकर, मित्र के चरण देखकर कांटा लगा हुआ देखा, भगवान से देखा नहीं गया। रुक्मिणी इंद्र से कहा कि तुम सुई लेकर आओ, मैं धीरे से इसको उकेर देता हूँ ऊपर और इस कांटे से मुक्त कर देता हूँ इनके चरणों। रुक्मिणी अंदर गई, बहुत देर में आई, तब तक करुणा निधि को इतनी सबर होती कहाँ है। भगवान ने उनके पांव की पत्थली पकड़ी, चरण को अपने मुखमंडल के सामने लाए और दांत से कांटा पकड़ा और खींच करके अपने दोनों नेत्र को उस घाव पर लगा दिया और कहा, मेरे मित्र, बहुत कष्ट सहा है मेरे लिए तूने, अब तुझे दुख नहीं होगा। सिंगारचोरी गांव में मैं करीबन अधिकतर आप सब लोगों के सामने आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उज्जैन में वहां पर अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करता हूं, साथ में अनेकों प्रकार के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करीबन मुझे 17 साल पत्रकारिता करते करते हुए हैं। अवंतिका एक्सप्रेस समाचार पत्र, अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज चैनल, साथ में अवंतिका एक्सप्रेस स्टूडियो, इन सभी मेरे साथ पूरी टीम और यहाँ पर मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, पर जब 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 इस मंदिर पर आया हूँ, ये बहुत ही एक प्राचीन विभूति है जिन्हें नागचंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। हम सब यहाँ पर आए हैं, मैंने दीदी का थोड़ा समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में जो इच्छाएं थी मैं बोलूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ सोचता हूँ बहुत दूर पड़ता है, उज्जैन से करीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा आने का रहता है, कई बार विचार भी होता है, पर यहाँ की चैतन्यता प्रभु मुझे यहाँ तक लाने में पूरी ऐसी धूप में 10:30 बजे से ज्यादा मैं घर से निकला हूँ, मेरे कई काम है मुझे जाना था, पर यहाँ की जो प्राचीन है, जो यहाँ के वास्तविक भूमि का आने की जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त हुआ है। वाले उनके ओर से यहाँ दान राशि दी गई है, 5,000 रुपए राजेंद्र सिंह जी गौड़ देवास वाले उनके ओर से इस पुनित कार्य में दान राशि दी गई है, 5,000 रुपए करण सिंह जी गुर्जर लाला खेड़ी वाले उनकी ओर से भी यहाँ दान